नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा Google Photos के बारे में। Google Photos क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन में बहुत सारे फोटो होने की वजह से आपकी फ़ोन की मेमोरी भर जाती है, फुल हो जाती है, तो इन सभी से बचने के लिए आप अपनी फ़ोटो को Google फोटो में बैकअप बना सकते हैं। Google फोटोज पे अपनी फोटोज का बैकअप बनाने से आपको फायदा ये होता है कि आपकी ये डिवाइस या कभी गुम हो जाती है या फिर आपके डिवाइस से वो फोटो डिलीट हो जाती है, या फिर यदि आप उस फोटोज को एसडी कार्ड में रखते हैं और एसडी कार्ड करप्ट हो जाती है जिससे आपकी सारी फोटोज डिलीट हो जाती है, सारी फोटोज खत्म हो जाती है, तो इन सभी से बचने के लिए उस फोटोज को आप गूगल फोटोज पे बैकअप बना सकते। तो यही इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल फोटोज पे अपने फोटोज को कैसे बैकअप बनाएं। तो दोस्तों आपके फ़ोन में एक फोटोज नाम की एप्स पहले से इंस्टॉल्ड होती है। अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन कर देने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना होगा गूगल फोटोज। तो यहाँ पे सर्च बार में लिखिएगा गूगल फोटोज। गूगल फोटोज टाइप कर देने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देने के बाद आपको सबसे पहला एप्स मिलता है गूगल फोटोज का। दोस्तों ये ऐप गूगल के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी अच्छा इसको रेटिंग मिला हुआ है, 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है। आपके फ़ोन में यदि ये गूगल फोटोज नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल है और अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट कर लीजिए। तो इस गूगल फोटोज को हम यहाँ से ओपन करते हैं। गूगल फोटोज को यदि आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो गूगल फोटोज में आपको साइन इन करना होता है अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपने फ़ोन में गूगल फोटोज को पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिख जाती है, और यदि आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं दिख रही तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिएगा। यदि आप अपने फ़ोन में एक से अधिक ईमेल आईडी से लॉग इन है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस ईमेल आईडी पे अपने फोटोज को बैकअप के रूप में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आते हैं बैक और इसके सेटिंग के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे गूगल फोटोज को ओपन करने के बाद आपकी गैलरी की सारी फोटो यहाँ पे दिखेंगी, तो इसे कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, तो क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस फोल्डर, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे फोन में यहाँ पे कैमरा, व्हाट्सएप इमेज और जो फोटोज डाउनलोड किए हैं वो सभी का सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से अब जिस फोल्डर की फोटोज को बैकअप लेना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं कैमरा वाला फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कैमरा वाला फोल्डर को ओपन करने के बाद आप जिस फोटोज को बैकअप लेना चाहते हैं उस फोटोज पे क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटोज को बैकअप लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, और इसके बाद और भी आप फोटोज को बैकअप लेना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा आप जिस फोटोज को बैकअप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो फोटोज को बैकअप लेना चाहता हूँ, तो इस दोनों को बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऊपर में इस थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकअप नाउ, तो इसे बैकअप लेने के लिए क्लिक कीजिएगा बैकअप नाउ। अब ये फोटो आपकी बैकअप के रूप में गूगल फोटोज पे अपलोड होने लगती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फोटो हमारा अपलोड हो रहा है। इसी तरह से आप अपनी कैमरा वाले फोल्डर की सारी फोटोज को बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन ऑफ रहता है, तो इसे आपको यहाँ पे ऑन करना होगा। तो यहाँ पे ऑन करने के लिए यहाँ पे इसे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सेटिंग पे, और सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा बैकअप एंड सिंक वाला ऑप्शन पे और इसे ऑन करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, आप जिस ईमेल एड्रेस पे बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस ईमेल एड्रेस पे बैकअप लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में जितने भी फोटोज़ को अपने कैमरे से खींचेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी गूगल फोटोज़ पे अपलोड हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे नीचे में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि अपने फोटोज़ को आप किस क्वालिटी में अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड साइज पे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी, हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस। तो आप अपने फ़ोन के डाटा को सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी फ़ोटोज़ की साइज़ बहुत बड़ी है जैसे 30 MB या 40 MB, तो उसे अपलोड करने में आपकी बहुत काफ़ी डाटा खर्च होगा, तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे हाई क्वालिटी पे। हाई क्वालिटी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा सिलेक्ट। तो अब इससे आपकी फ़ोटो जब गूगल फोटो पे बैकअप बनेगी तो आपकी डाटा थोड़ा कम खर्च होगा। तो यहाँ से आते हैं बैक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल डाटा एंड यूजेज, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे डाटा की लिमिट को सेट करना होता है कि आप एक दिन में कितनी डाटा को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 MB, 10 MB, 30 MB और अनलिमिटेड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपकी एक दिन की डाटा 30 MB से ज़्यादा खर्च नहीं होंगी। अगर आप अनलिमिटेड पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटो होंगी, तो आपकी सारी फ़ोटो एक ही दिन में अपलोड हो जाएंगी और आपकी सारी डाटा खर्च हो जाएंगी। फिर यहाँ से आते हैं बैक, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है बैकअप डिवाइस फोल्डर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने डिवाइस के फोल्डर को सेट कर सकते हैं कि हमारी डिवाइस के किस फोल्डर की बैकअप हो और किस फोल्डर की बैकअप ना हो। और इसके बाद यदि आपकी गैलरी में कुछ फ़ोटो हो और चाहते हैं आपकी सिर्फ वही फ़ोटो हमारा गूगल पे बैकअप बने, तो इसके लिए आप ओपन कीजिएगा गैलरी को। गैलरी को ओपन कर देने के बाद उस फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा जिस फोटोज को आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कुछ फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 4 फोटोज को सेलेक्ट किया हूँ और 4 फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का, तो क्लिक कीजिएगा सेंड पे। सेंड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन ढूंढना होगा अपलोड टू फोटो, तो यहाँ पे इसे बैकअप लेने के लिए अपलोड टू फोटो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें फोटो का साइज बता रहा है कि ये 4 फोटो 1 MB का है और इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपलोड पे। तो यहाँ से अब आपकी ये 4 फोटो गूगल फोटोज पे बैकअप के रूप में अपलोड होने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।